चाय एवं कॉफी सभ्य संसार में बरतने वाले मादक पदार्थ हैं। सभ्य जगत ने और नशीली चीजों की तरह इन्हें भी अपना लिया है। वास्तव में ये दोनों जीवनी शक्ति का हास करते हैं। इनके प्रयोग से शरीर से निकलने वाले कार्बोलिक एसिड का परिणाम बढ़ जाता है। चाय से सरदर्द बना रहता है। लोगों में यह भ्रांतिमूलक धारणा बैठ गई है कि चाय से भोजन हजम हो जाता है। वास्तव में इससे उल्टे पाचन क्रिया में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। दिल की धड़कन की शिकायत बढ़ जाती है और अंग भारी रहते हैं। दांतों के रोग में वृद्धि का एक कारण गर्म गर्म चाय का व्यवहार ही है। शारीरिक हानि के विचार से शराब और चाय एक ही प्रकार के हैं। अंतर केवल महंगी और सस्ती का है। शराब मदहोश बनाकर अल्पकाल के लिए तो खरीदती है, किंतु चाय उत्तेजना देती है और नींद हरती है। अमूल्य जीवन तथा सही के स्वास्थ्य को नष्ट करने में यह शराब से कम नहीं है, क्योंकि यह उससे सस्ती और इसका प्रचार स्थान स्थान पर है। क्षुधा नष्ट हो जाती है, चाय के अतिरिक्त और किसी प्रकार की इच्छा नहीं रह जाती। हृदय की गति निर्बल पड़ जाती है। इसके बिना मन खिन्न, चिड़चिड़ा और मस्तिष्क कार्य रहित सा रहता है। बदहजमी, भूख की कमी और अपच में चाय